फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में रिटेल मैनेजमेंट का यूनिट 5 से हम लोग मर्चेंडाइज मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसका जो आने वाला नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग मर्चेंडाइज प्लानिंग पढ़ेंगे, और इसमें सिर्फ हम लोग आज मर्चेंडाइज मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मर्चेंडाइजिंग इज़ द सिक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द रिटेलर, सच एज प्लानिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स फॉर देयर यूज़। क्यों मर्चेंडाइजिंग एक सिक्वेंस है बहुत सारे एक्टिविटीज़ का जो एक रिटेलर्स करते हैं, जैसे प्लानिंग करते हैं, परचेज करते हैं, बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स को, और उसको सेल करते हैं किसका, कस्टमर्स तक उसके यूज़ के लिए। मीन्स मर्चेंडाइज मैनेजमेंट उसे कहते हैं जो एक रिटेलर्स का जो परफॉर्म है, अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है जैसे प्लानिंग करना, बाइंग करना और उसे सेलिंग करना प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक उसकी यूज़ के लिए, उसी एक्टिविटीज़ को मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हैंडलिंग स्टोर ऑपरेशंस एंड ई कॉमर्स ऑफ रिटेलिंग। ये क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है हैंडलिंग करने का स्टोर्स के ऑपरेशंस को और ई कॉमर्स रिटेलिंग को। मर्चेंडाइजिंग प्रेजेंट्स द प्रोडक्ट्स इन रिटेल एनवायरनमेंट टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स बाइंग डिसीजंस। मर्चेंडाइजिंग ये प्रेजेंट्स करता है प्रोडक्ट को एक रिटेल एनवायरनमेंट में, और वो इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर्स को बाइंग डिसीजंस करने में, डिसीजंस लेने में। तो आई होप कि आपको मर्चेंडाइज मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, इसे आप इजीली लिख सकते हैं खुद से भी। इनके टाइप्स क्या क्या हैं, इनके टोटल दो टाइप्स हैं। पहला है स्टेबल मर्चेंडाइज एंड दूसरा है फैशन मर्चेंडाइज। तो स्टेबल जो स्टेबल मर्चेंडाइज है उसमें क्या क्या आता है कि इट हैज़ प्रेडिक्टेबल, इसमें प्रेडिक्टेबल होते हैं। फैशन मर्चेंडाइज होते हैं, इट प्रोवाइड्स रिलेटिवली एक्यूरेट फॉरकास्ट, इसमें एक ही एक्यूरेट जो रिलेटिवली प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस पर फॉरकास्ट किया जाता है। और जो दूसरा फैशन मर्चेंडाइज है उसमें इट हैज़ अनप्रेडिक्टेबल डिमांड, इसमें अनप्रेडिक्टेबल डिमांड्स होते हैं। लिमिटेड पास्ट सेल्स हिस्ट्री इज़ अवेलेबल, इसमें जो पास्ट सेल्स हिस्ट्री होते हैं वो अवेलेबल होता है एक लिमिटेड वे में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट सेल्स, इसमें सेल्स फोरकास्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फैक्टर्स ऑफ मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, मर्चेंडाइज के मैनेजमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला है साइज ऑफ द रिटेल ऑपरेशंस, रिटेल ऑपरेशंस का क्या साइज़ है। दिस इंक्लूड्स इशूज सच एज हाउ लार्ज इज़ द रिटेल बिजनेस, इसमें ये इंक्लूड्स करता है, इसमें ये आता है कि आपके जो रिटेल बिजनेस है उनके साइज़ क्या हैं, आपका बिजनेस जो है कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, ये इनके साइज़ पे डिपेंड करता है। व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का डेमोग्राफिक स्कोप्स क्या है, लोकल है या नेशनल है या इंटरनेशनल है आपके बिजनेस। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का स्कोप क्या है, वो डायरेक्ट है या ऑनलाइन है या अलग अलग मल्टीपल वे पे आप उसके ऑपरेशंस को करते हैं। अब टेलीविज़न या टेलीफोनिक इस पर भी आप करते हैं। व्हाट इज़ द डेली नंबर ऑफ कस्टमर्स द बिजनेस इज़ रिक्वायर्ड टू सर्व, कि आपके डेली बेसिस पे जो नंबर्स ऑफ कस्टमर्स है वो कितने हैं, आपके बिजनेस को किस तरीके का सर्व करने का रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें इस पर आता है। नंबर टू है शॉपिंग ऑप्शंस, टुडेज कस्टमर्स हैव वेरियस शॉपिंग चैनल सच एज इन स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज इंटरनेट, टेलीविज़न etc। शॉपिंग का जो ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा हैं आज अभी के टाइम में, खास करके कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, चाहे तो वो ऑनलाइन स्टोर्स में भी ले सकते हैं या तो ऑफलाइन जाके स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं,
अलग अलग मीडिया के द्वारा, वो इंटरनेट बैंकिंग, टेलीविज़न से, अलग अलग ऐप्स हैं जिससे वो शॉपिंग्स कर सकते हैं कस्टमर्स। नंबर थ्री है सेपरेशंस ऑफ पोर्टफोलियोज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ रिटेल बिजनेस। ये जो सेपरेशंस ऑफ पोर्टफोलियो है, ये डिपेंड करता है कि आपके रिटेल बिजनेस के साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस कितने बड़े हैं, कितने साइज़ के हैं। देयर आर वर्क फोर्सेज फॉर हैंडलिंग ईच स्टेज ऑफ मर्चेंडाइजिंग फ्रॉम प्लानिंग। इसमें जो है वर्क फोर्सेज ज़्यादा होता है हैंडलिंग करने के लिए, और ये अलग अलग सभी स्टेज पे ये प्लानिंग करता है, मर्चेंडाइजिंग जो है प्लानिंग करता है वो बाइंग करने का एंड सेलिंग करने का प्रोडक्ट और सर्विसेज को। तो आई होप कि आपको इनके फैक्टर्स भी समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके अब फंक्शंस देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं मर्चेंडाइजिंग मैनेजर्स का। पहला है लीड द मर्चेंडाइजिंग टीम। पूरी टीम को जो है मर्चेंडाइजिंग जो मैनेजर्स हैं वो पूरी टीम को लीड करता है। एंड नंबर टू है एंश्योर द मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस इन स्मूथ एंड टाइमली। और ये एंश्योर्स करता है कि मर्चेंडाइजिंग जो प्रोसेस है वो स्मूथली और टाइमली किया जा सके। कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट विद सप्लायर्स, ये सप्लायर्स के साथ कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट करता है। नंबर फोर है पार्टिसिपेट इन बजटिंग सेटिंग एंड मीटिंग सेल्स गोल्स। ये पार्टिसिपेट्स करता है बजटिंग करने में और जो सेल्स गोल्स है उनके साथ मीटिंग करने में ये पार्टिसिपेट्स करता है। नंबर फाइव है ट्रेन द एम्प्लॉयज़ इन द टीम, और पूरी टीम में एम्प्लॉयज़ को ये ट्रेंड करता है कि कैसे सेल्स करने, कैसे हैंडलिंग करने, कैसे प्लानिंग करनी है। आई होप कि आपको फंक्शंस भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इनके जो सेकंड पार्ट्स आने वाले हैं उसमें मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग के बारे पढ़ेंगे, कैसे प्लानिंग करते हैं। तो आपको मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा, उनके फंक्शंस, उनकी जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।